वॉज अ वॉरियर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल के बारे में, जो कि एक हुकवॉर्म है। इस वीडियो के अंदर हम लोग हुकवॉर्म के क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ हुकवॉर्म। जब हम हुकवॉर्म की बात करते हैं तो हुकवॉर्म के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कौन से स्पीसीज हमारे लिए पैथोजन है जो कि इंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करते हैं, तो दो ही नाम हमारे सामने आता है। इसमें से एक है हमारा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल और दूसरा होता है नेकेटर अमेरिकानस। पहला क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, और दूसरा क्या है, नेकेटर अमेरिकानस। आपको ये दोनों नाम याद करने हैं। पहला नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन यही पढ़ने जा रहे हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा का लाइफ साइकिल क्या है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल को हम लोग ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म भी बोलते हैं, और नेकेटर अमेरिकानस को हम लोग न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म या अमेरिकन हुकवॉर्म भी बोलते हैं। तो पहला है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, इसको ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म बोलते हैं। दूसरा नेकेटर अमेरिकानस, इसको न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म बोलते हैं, या इसको अमेरिकन हुकवॉर्म भी बोला जाता है। फिर देखिए, कुछ ऐसे हुकवॉर्म भी होते हैं जो जनरली हमारे अंदर पैरासाइट नहीं होते हैं या रेयरली हम लोग को इन्फेक्ट करते हैं, वो लोअर एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो इन्फेक्ट रेयरली हमें करते हैं, कभी कर दिए, तो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन कॉज करते हैं। इनका नाम आप याद कर सकते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा ब्रेजिलेनिस एंड द कैनिनम। ये दो नाम आपको याद करने हैं, थर्ड आप छोड़ सकते हैं। ये क्या करते हैं, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन कॉज कर सकते हैं, लेकिन रेयरली हमारे अंदर ये पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जब मॉर्फोलॉजी की, तो जो जनरल मॉर्फोलॉजी है नेमेटोड्स का हम आप पढ़ चुके हैं, वही है, क्योंकि ये भी नेमेटोड्स है। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहला फॉर्म तो इसका एडल्ट का होता है, फिर एग्स प्रेजेंट रहते हैं और लार्वा ही प्रेजेंट रहती है। आपको पता है कि यहाँ पे लार्वा फोर स्टेज में प्रेजेंट रहती है, L1 to L4, तो आपको ये बेसिक पता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो स्पीसीज है, एनसाइक्लोस्टोमा और नेकेटर अमेरिकानस। तो इन्हें अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो आपको एडल्ट फॉर्म देखना पड़ेगा या तो आपको थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके एग होते हैं या L1 लार्वा स्टेज होता है उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, वो दोनों स्पीसीज का सेम होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एनसाइक्लोस्टोमा एंड नेकेटर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय द मॉर्फोलॉजी ऑफ एडल्ट वर्म एंड द थर्ड स्टेज लार्वा। एग एंड द फर्स्ट स्टेज लार्वा ऑफ द बोथ आर द मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विश, तो इनको अलग हम नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं एडल्ट फॉर्म के बारे में, एडल्ट वॉर्म के बारे में। तो जो एडल्ट वॉर्म होता है वह आपको पता है इसके दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड थोड़ा सा बेंड होता है, इसलिए उसको हुक वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि हुक जैसा यहाँ पे अपीयरेंस दिखता है। इसका साइज की बात करें तो 7 to 13 mm होता है। यह बेसिक हुआ मॉर्फोलॉजी का। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में, एनसाइक्लोस्टोमा और हमारे नेकेटर अमेरिकानस में, तो आपको एडल्ट वॉर्म को देखना पड़ता है, या तो हुक वॉर्म कैसे बना हुआ है, या तो आपको L3 लार्वा को देखना पड़ता है। जब हम बात करते हैं क्या देखेंगे हम एडल्ट में, एडल्ट में आपको देखना है बक्कल कैप्सूल विद टीथ और द क्यूटेन कटिंग प्लेट्स। बक्कल कैप्सूल विद टीथ एंड द कटिंग प्लेट्स, या आपको कपलेटरी बर्सा को देखना पड़ता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको दिखाया गया है बक्कल कैविटी विद द कटिंग प्लेट। तो यह बेसिक हुआ किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, मॉर्फोलॉजी हुआ। अब हम लोग समझते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लाइफ साइकिल पढ़ना है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि होस्ट क्या होता है। इनके अंदर जो होस्ट होता है वो हम लोग ही हैं, केवल एक ही होस्ट पाया जाता है जो कि हम लोग हैं। फिर इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर भी L3 फॉर्म ही इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। इन्फेक्टिव फॉर्म L3 फॉर्म ही होता है। अगर आप एस्केरिस का वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत चीजें यहाँ पे आसान हो जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग लाइफ साइकिल को इसके। सबसे पहले लाइफ साइकिल को समझने के लिए यहाँ मैं बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ इस डायग्राम के थ्रू, फिर हम लोग समझेंगे होता क्या है। देखिए, इसका जो जनरली ट्रांसमिशन होता है वो स्टार्ट होता है स्किन के थ्रू। तो अगर आप जहाँ पे इफेक्टेड है इसका एरिया जमीन सॉइल, अगर वहां पे आप चलते हैं बिना फुटवियर के, तो यह आपकी स्किन को पेनेट्रेट करके अंदर जा सकता है सबक्यूटेनियस वेन्यूल्स के थ्रू। अगर ये सबक्यूटेनियस वेन्यूल्स के थ्रू सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका होस्ट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका होस्ट क्या है, किसके अंदर ये पैरासाइट होते हैं। तो इनका एक ही होस्ट होता है जो कि हम लोग होते हैं, ओनली वन होस्ट जो कि हम लोग हैं। फिर बात करते हैं इनका इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है। तो आपको पता होगा कि जनरली यहाँ पर L3 फॉर्म ही इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। L3 स्टेज जो लार्वा का है वह इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। तो अब समझते हैं आगे इनके साइकिल के बारे में। पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में एक एक स्टेप को पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ L3 फॉर्म से तो इन्फेक्शन शुरू होता है। तो जो ये L3 फॉर्म है, अगर वह
जमीन में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, ये क्या कर सकता है, यह हमारी स्किन को पेनेट्रेट कर सकता है। तो अगर आप ऐसे जगह पर बिना फुटवियर के चल रहे हैं तो यह स्किन को पेनेट्रेट कर करके सबक्यूटेनियस वेन में प्रेजेंट हो सकता है। जब यह सबक्यूटेनियस वेन में जाता है उसके बाद यह किसी तरह से अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू यह लंग्स में पहुंच जाता है और वहां एल्वियोलाई के थ्रू होते हुए यह एनी हाउ हमारे फेरिंग्स तक पहुंच जाता है। ये बेसिक में बता रहा हूँ आपको, अभी एक एक स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे। जब यह फेरिंग्स तक पहुंचता है इसका हम लोग स्वेलो कर लेते हैं इसको और ये लास्ट में जीआईटी में पहुंच जाता है। अब जब जीआईटी में पहुंच जाता है उसके बाद क्या होगा, जीआईटी में पहुंचा क्या, पहली बात तो L3 लार्वा पहुंचा, यहाँ पे इसकी मॉल्टिंग होगी, ट्वाइस मॉल्टिंग होगी, दो बारी मॉल्ट करेगा और फाइनली यह एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ, इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, मतलब इंटेस्टाइनल के लुमेन के अंदर। फिर वहां पे क्या करेगा, यह वॉल से अटैच हो जाएगा और वहां पे यह फर्टिलाइज करके एग प्रोड्यूस करेगा। फिर जो एग प्रोड्यूस होगा वो हमारे फीसेज में आएगा और फीसेज से जो फिर लार्वाई निकलेगी, कौन सी लार्वाई, एक से निकलेगा L1 लार्वा। फिर वह एनवायरमेंट में फिर से वहां पे मोल्टिंग होगी और मोल्टिंग होकर के फिर से वह कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, L3 लार्वा में। ये साइकिल बेसिक चलता रहेगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, ये स्किन को पेनिट्रेट करके हमारे वेन्यूल्स में आया, वेन्यूल से पहुंचा हमारे लंग्स में, वहां पे लंग्स में एल्वेलाई के थ्रू होते हुए हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग से फिर से स्वेलो हो गया, स्वेलो होने के बाद पहुंचा जीआईटी के अंदर, जीआईटी के जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा उसका, यहाँ पे मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग से एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से एग बनेगा, एग कहाँ पे आएगा, फीसेज में, फीसेज में क्या होगा, जो एग होगा एग के अंदर क्या होगा, L1 लार्वी होगी, एनवायरमेंट में पहुंचेगा, एनवायरमेंट में L1 लार्वी L3 लार्वी में कन्वर्ट होगी और फिर से साइकिल चलेगा। यह बेसिक लाइफ साइकिल हुआ। अब हम लोग एक एक स्टेप को इसके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मैंने बताया आपको कि थ्रू द पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन बाय L3। फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है, ड्यूरिंग द वॉकिंग बेयर फुट इन द डैम्पन सॉइल, ये उसका बेसिक हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि माइग्रेटरी फेस क्या होता है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं बेसिक, बस आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में देखना है। Following the penetration, the L3 larvae enter into the subcutaneous venules and are carried to the lungs through the venous circulation. Here, they enter into the alveolar space and migrate up to the pharynx. And finally, by swelling of the sputum, they enter into the GIT intestinal phase. अब क्या होगा? ये हमारे GIT में पहुंच गया। अब चलेगा हमारा intestinal phase. तो उसके अंदर क्या होगा? वहाँ पे भी simple होगा। बस यहाँ पे molting होगी, जिससे कि L3 एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर यहाँ पे होता है, the L3 larva molt twice in the small intestine to develop into the adult worm which attaches to the intestinal mucosa by, अब देखिए अटैचमेंट किससे होती है, इंपॉर्टेंट है ये, by the teeth and the buccal capsule। मैंने आपको डायग्राम्स भी दिखाया था, यह इसको हेल्प करता है इसको पैरासाइट बनने के लिए। तो आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा किस तरह से पैरासाइट के अंदर डेवलपमेंट होती है, जिससे कि वो हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाए। ये टीथ और बक्कल कैप्सूल हेल्प कर रहा है उसको हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होने के लिए, हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से अटैच होने के लिए। फिर क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली अटैचमेंट हो गई, अब फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल वॉर्म ले एग्स विच इज एक्सक्रीटेड इन द फीसेस। एक फीमेल वॉर्म की बात करें तो हम कंपेयर करेंगे दोनों, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल का और अमेरिकेनस का। तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो ड्यूडेनल है उसमें 25,000 से 35,000 एग पर डे वह ले करती है। फिर बात करते हैं जब अमेरिकेनस का, तो वह अप्रॉक्स 6,000 to 20,000 ही करती है, तो कम होता है इसका पर डे एग। यह हुआ हमारा इंटेस्टाइनल फेस। अब हम लोग समझते हैं जब यहाँ से ये हमारे फीकल मेटल में पहुंच गया, वहां पे क्या होगा, एग होगा, एग से क्या निकलेगा, L1 लार्वी। फिर आगे समझते हैं क्या होता है। तो एग रिलीज इन द फीसेस are immature which become impregnated in the moist shady warm soil L1 life, मतलब L1 में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली लार्वा। यहां से एक सेल L1 लार्वा निकलेगी जो कि दो बार फिर से मोल्टिंग होगी यहां पर और L3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक यही है, मैं 3 से 4 बार आपको बता चुका इस वीडियो में। अब क्या होगा, ये सॉइल के अंदर हुआ, बेसिक लाइफ साइकिल यही होता है, फिर से साइकिल रिपीट होते जाएगा। अब हम लोग समझेंगे इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को, किस तरह से हम लोग डायग्नोस करते हैं इसको लैब में। डायग्नोसिस को आपको इसको कुछ स्टेप में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूल माइक्रोस्कोपी को, फिर कल्चर के बारे में पढ़ेंगे इसके, फिर इसके मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टूल माइक्रोस्कोपी को। तो सिंपली आपको स्टूल में देखना क्या है, एक देखने हैं किसके, एक हमारे पैरासाइट। पैरासाइट हुकवॉर्म के एग्स को वहां पे आपको देखना है, आपको डिफरेंशिएट करना है।
तो द डायग्नोसिस इज स्टेबलाइज बाय फाइंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एग इन द फीसेस। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होता है तो एग्स जो होते हैं वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको स्टूल को कंसेंट्रेटेड करना पड़ता है जिससे कि एग का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, आप उसको आसानी से यहाँ पे एग्जामिन कर पाए। तो स्टूल कंसेंट्रेशन प्रोसीजर में बी रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द लाइटर इन्फेक्शन। और इसके लिए आपको जो सैंपल लेना है स्टूल माइक्रोस्कोपी के लिए वो सैंपल फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और दूसरे पैरासाइट के केस में। फिर हमको क्या देखना है इसमें, एक को देखना है माइक्रोस्कोप के हेल्प से। देखते हैं एक दिखाई कैसा देता है, एक का बेसिक अपीयरेंस कैसा होता है। यह ओवल शेप का होता है और इसके सराउंडिंग में एक के सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ओवल सराउंडेड बाय द एग सेल। जब हम लोग इसके सलाइन माउंट की बात करते हैं तो यह कलरलेस दिखाई देता है, सलाइन माउंट में यह कलरलेस दिखाई देता है। और बात करें जब बाइल स्टेन की तो स्टेन ही नहीं करता है, बाइल इसको स्टेन नहीं कर पाता है और सलाइन माउंट कलरलेस दिखाई देता है इसके केस में। तो यह हमारा बेसिक हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके बीच, देखिए मैंने बोला कि एक सेल प्रेजेंट होता है, तो जो ओवल है और जो एक सेल है मतलब इम्ब्रियो और एक सेल के बीच में एक स्पेस होता है, इसको बोलते हैं क्लियर स्पेस प्रेजेंट रहता है। आप देख सकते हैं उसको आसानी से, क्लियर स्पेस बिटवीन द एग सेल एंड द इम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। जब इम्ब्रियो की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह आता है, जो इम्ब्रियो है उसमें सेगमेंट होता है, अप्रोक्स 4 टू 32 डास्टोमियर्स दिखाई देते हैं, सेगमेंट दिखाई देते हैं इसके एग में। आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग सेगमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ब्लास्टोमियर का, और यहाँ पे आपका एग सेल प्रेजेंट है और बीच में आपको स्पेस भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यह बेसिक हुआ कैसा हुक्वॉर्म का एग दिखाई देता है। अब हम लोग समझते हैं कि एक को काउंट कैसे करते हैं। पहली बात तो काउंट करेंगे क्यों, काउंट इसलिए करते हैं कि आपको सीवियरिटी मालूम चल सके कितना सीवियर डिजीज है। ज्यादा एक मिलेगा मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो WHO ने इसके लिए क्राइटेरिया भी दिया था कि कितने एक पर हम लोग कितना इन्फेक्शन बोलेंगे। अब एक को काउंट करने के लिए जो मेथड होते हैं उसको समझते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैटोकैटिज टेक्निक को, डायरेक्ट स्मियर मेथड ऑफ द बीवर एंड द मोडिफाइड स्टॉल डाइल्यूशन एग काउंट मेथड। आप इनका नाम याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि डायरेक्ट स्मियर मेथड और कैटोकैटिज आपको याद करना है। ये बेसिक हुआ एग काउंटिंग का। अब हम लोग समझते हैं स्टूल कल्चर के बारे में। तो स्टूल कल्चर में सिंपली करना क्या है, पहले कल्चर करते क्यों है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक के अंदर L1 लार्वा होता है और L1 लार्वा को आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमको L3 लार्वा तक का वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कल्चर बनाते हैं जिससे कि ये L3 लार्वा में कन्वर्ट हो पाए। द फ्रेशली पास्ड स्टूल सैंपल कैन बी कल्चर्ड सो दैट द एग हैच आउट टू द डेवलप टू द L3 स्टेज ऑफ लार्वा। ये कितना टाइम लेता है, ये प्रोसेस 5 to 7 days मतलब 1 week लगता है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनने में। तो उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल के बारे में और नेकेटर अमेरिकेनस में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूल कल्चर आपको बनाना है तो अगार प्लेट का यूज करना पड़ेगा जो कि मोर सेंसिटिव होता है, और भी प्लेट होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव की बात करें तो अगार प्लेट टेक्निक इज द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक, आपको याद करना है, या MCQ भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं और दूसरी टेक्निक क्या है, तो हर्डा मोरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड, बेरमन फनल टेक्निक एंड चारकोल कल्चर मेथड, ये सब अदर टेक्निक होती है। मेन आपको याद करना है अगार प्लेट टेक्निक के बारे में। फिर हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो सिंपल सा है, हमें पता है PCR एंड रियल टाइम PCR, ये हर जगह जितने भी आपको पैरासाइट हैं सब में आपको देखने को मिलता है PCR टेक्निक को। यहाँ पर ये मेनली जीन को टारगेट करता है, उस जीन का नाम होता है, याद करना है आपको, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जीन। क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जीन को यह टारगेट करता है, जिससे हम लोग यहाँ पे इसका PCR आसानी से कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि यह अच्छा क्यों है या क्यों इसमें एडवांटेज क्या है इसके, तो पहली बात तो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, आराम से डिफ्रेंशिएट कर देता है कि इन्फेक्शन किसका है, एनसाइक्लोस्टोमा का है या नेकेटर का है। फिर बात करें अगर कंसेंट्रेशन कम है, इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर नहीं है, तब भी यह पता कर सकता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर 200 mg स्टूल में भी या अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो ये पता कर पाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये सब बेसिक टेस्ट होते हैं, इनके अलावा भी आपको कुछ टेस्ट बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे जिसके हिसाब से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, हालांकि आप बस इसके हिसाब से प्रिडिक्ट ही कर पाएंगे। जैसे कि बात करते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मोस्ट कॉमन कॉज है हुकवॉर्म का, जो बॉडी एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की बात करें हम लोग, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज माना जाए वर्ल्ड वाइड तो हुकवॉर्म ही होता है, अगर फीमेल का केस छोड़ दें तब, जहां की ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस होता है वो अगर किस हटा दें।